हनुमान जी के इन पांच चमत्कारिक मंत्रों का सुबह उठकर आप जाप करिए, फिर देखिए मात्र 7 दिन के अंदर आपको दुखों से छुटकारा मिलेगा और आपकी हर परेशानी खत्म होगी। जय श्री राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोरी, जय सनातन धर्म की। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हनुमान जी के उन दो शक्तिशाली मंत्रों की, जिनका मात्र सुबह उठकर जाप करने मात्र से या फिर उनको सुनने मात्र से आपके जीवन की सभी परेशानियों का अंत होना शुरू हो जाएगा। बाबा नीम करोरी और हनुमान जी आपकी परेशानियों को जड़ से खत्म कर देंगे और आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। दोस्तों मंगलवार का दिन और शनिवार का दिन वीर बजरंगी को समर्पित है। हिंदू धर्म में भगवान हनुमान को शिव का रुद्र अवतार माना गया है। हनुमान जी श्री राम के सबसे बड़े भक्त और समर्पण के प्रतीक हैं। हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन श्री राम जी को समर्पित किया है। बजरंगबली शक्ति व साहस के प्रतीक हैं। हनुमान जी को महावीर, मारुति, पवन पुत्र, अंजनेय नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति उचित नियमों और भक्ति के साथ भगवान हनुमान की पूजा करता है वह सभी संकटों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान हनुमान जी को संकट मोचन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाली हूँ हनुमान जी के वो दो शक्तिशाली मंत्र, जिनको मात्र सुबह उठकर सुनने से ही आपके जीवन में 7 दिन में चमत्कार होगा और आपके जीवन में आज से जितनी भी परेशानियाँ आ रही हैं, जितने भी संकट आपके जीवन में आ रहे हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे। ऐसा कह लीजिए कि 7 दिन में आप खुद फर्क महसूस करेंगे। दोस्तों हनुमान जी को बजरंग बली के नाम से भी पुकारा जाता है। बजरंग बली का अर्थ है जिसके पास हीरे और वज्र जैसा शरीर हो, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। बली का अर्थ है शक्तिशाली। हनुमान जी के पास अलौकिक शक्तियां हैं। शास्त्रों के अनुसार बजरंग बली के मंत्र जाप करने से ही लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए इन दो मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके जाप से आपके घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है और आपके परिवार में जो भी संकट होता है वो दूर हो जाता है। यदि हम हनुमान जी को सच्चे मन से पुकारते हैं, सच्चे मन से उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो हनुमान जी स्वयं हमारी रक्षा करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला शक्तिशाली मंत्र है जिसको सुबह उठते ही आपको या तो 3 बार सुनना है या फिर नहा धोकर 108 इस मंत्र का रोज जाप करना है, तो 7 दिन में आपके सारे संकट दूर होने लगेंगे। दोस्तों मंत्र है ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय राम दूताय स्वाहा। दोस्तों ये जो मंत्र है हनुमान जी का, ये संकटों से बचाने के लिए बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। आपको क्या करना है दोस्तों, या तो आप सुबह उठकर इस मंत्र का उठते ही आप 3 बार बोलें इस मंत्र को, या सुबह नहाकर साफ कपड़े पहनकर एक लाल कपड़े पर हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें और हनुमान जी की पूजा करें और गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं जो जाप के अंत तक चलता रहे। इसके बाद आपको जो रुद्राक्ष की माला है उस माला से एक माला का आपको इस मंत्र का जाप करना है। रुद्राक्ष की माला से जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप यदि चाहें तो ये जो जाप है आप मंगलवार और शनिवार के दिन कर सकते हैं, और आपके पास समय है तो आप रोजाना इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपके पास समय की कमी है तो सुबह उठते ही इस मंत्र का जाप आप सुन भी सकते हैं, मोबाइल से चला लें या फिर आप पढ़ भी लें मोबाइल में निकाल कर। और आपके पास समय है तो आप खुद इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया विधि पूर्वक उस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों दूसरा शक्तिशाली मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। ये जो मंत्र है ये हनुमान जी को बेहद प्रिय मंत्र है। जब आपके मन में बहुत ज़्यादा भय डर व्याप्त हो गया है तब इस मंत्र का आप जाप करें, आपके मन से डर निकल जाएगा, आपके अंदर अंदरूनी शक्ति आ जाएगी। दोस्तों ये जो मंत्र है ओम हम हनुमते नमः ये सफलता का भी मंत्र है। बजरंग बली का ये चमत्कारी मंत्र वाणी से संबंधित कार्य में सफलता पाने के लिए किया जाता है। जैसे वाद विवाद, न्यायालय से संबंधित जो केस होते हैं उनमें अगर कोई आपकी बाधा आ रही है, आप केस नहीं जीत पा रहे हैं,
तो इस मंत्र का जाप आपको मंगलवार या फिर शनिवार के दिन विधि पूर्वक जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप करिए। तो देखिए, आपको जो भी वाद विवाद हैं, जो भी कोर्ट कचहरी के केस, उनमें आपको सहायता मिलेगी और आपके अंदर जो भी विचार शक्ति में आपका डर बैठ गया है, आपके मन में भय है, आपको डर बहुत लगता है, तो आपको उस डर से छुटकारा भी मिलेगा, क्योंकि हनुमान जी हमें इतनी शक्ति और इतना सामर्थ्य देंगे कि हमें कोई भी डर नहीं सता सकता और हमारे अंदरूनी आत्मविश्वास भी मन में बहुत बढ़ेगा। तो दोस्तों, मंगलवार के दिन जो हनुमान जी की पूजा करता है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो दोस्तों, हनुमान जी की पूजा मंगलवार के दिन आप अवश्य कीजिए। अगर व्यक्ति दुखी है तो उसे हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। बजरंग बली की पूजा दुखों के नाश के लिए अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति उनका ध्यान करता है और उनके मंत्रों का जाप करता है उन पर बजरंग बली की कृपा हमेशा बनी रहती है, साथ ही उसके जीवन में समस्त संकट और परेशानियां भी समाप्त हो जाती हैं। कहा जाता है अगर हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के चमत्कारिक मंत्रों का जाप किया जाए तो व्यक्ति को हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल होने लगती है। तो ये जो दो चमत्कारिक मंत्र मैंने आपको बताए हैं वो आपको मंगलवार या शनिवार के दिन आप जाप करिए। अगर आपके पास समय है तो आप रोजाना इन दो मंत्रों का 108 बार यानी कि एक माला से जाप करना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए, आप मात्र 7 दिन में आप खुद महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे आप अपने जीवन में कि आपके जीवन में बहुत बदलाव आ रहा है। दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से आप जाप करिए और बजरंग बली को सिंदूर, चंदन, अक्षत, गुलाब और बेसन के लड्डू श्रद्धा पूर्वक उनको इस तरीके का प्रसाद अर्पित करिए। और अगर आप चाहें तो मिट्टी के दीपक से भी उनको उनका दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। यहाँ पे जो जोत आती है पीतल की, उसमें आप उनका दिया प्रज्वलित करें और पूर्व मुख में बैठकर ही आपको रुद्राक्ष की माला से 108 बार इस दोनों मंत्रों का जाप आपको करना है। दोनों मंत्रों का अलग अलग प्रभाव है। अगर आपके मन में डर है तो आपको हम हनुमते नमः का जाप करना है, और आपके पास बहुत ज़्यादा संकट है, परेशानी है, दुख है, तो आपको जो पहले मैंने मंत्र बताया था उस मंत्र का आपको हनुमान जी का जाप करना है। कितना सरल सा मंत्र है और इसके जो चमत्कारिक प्रभाव हैं वो तो आप जाप करेंगे तो आप खुद महसूस करने लगेंगे। तो दोस्तों, इन दो चमत्कारिक मंत्रों का आप जाप करिए, सुबह उठते इनको पढ़िए या नहा धोकर जिस तरीके से बताया आप उस नियम पूर्वक विधि पूर्वक इनका 108 बार जाप करिए, नामों का एक माला जाप। फिर देखिए, आप 7 दिन के अंदर आपकी परेशानियां खत्म होने लगेंगी। बाबा नीम करौरी और वीर हनुमान जी आपके संकटों को समाप्त करेंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है, और पसंद आई है अगर तो आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा नीम करौरी, जय हनुमान। हनुमान जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करें।